रहे हैं एडवांस एक्सेल की जो हमारी पिपट की बात की जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे टॉपिक है, हम बात करेंगे आज रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि हम पिपट टेबल इस बैच में खत्म कर चुके हैं और हम रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़े हैं। रजिस्ट्रेशन पे हम बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, चलिए इस बात पे एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं डिफरेंट बैच से, तो उनकी जो है दो क्लासेस लाइसेंस की एयर रिलेशनशिप की बची हुई है, तो उसको उस टॉपिक को मैं रिपीट क्लासेस में, मतलब कि एक या दो दिन में मैं रिपीट क्लास ले लूंगा आप लोगों की, रिपीट क्लास में मैं कवर कर दूंगा। तो इसमें हमारे साथ बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन के बारे में कि किसी पिक्चर्स की या ग्राफिक्स की कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आगे चल के इसका यूज हम चार सौ बाकी चीजों पे करेंगे, इसलिए इसकी जरूरत है। तो हम बात करते हैं कि अगर कोई पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। दो चीजें हैं, अगर पिक्चर इंटरनेट से ले रहे हो, अगर मान लीजिए कि इंटरनेट पे आपने सर्च किया, इंटरनेट पे आपने सर्च किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडवांस एक्सेल सर्च करता हूँ, एडवांस एक्सेल, और मुझे इंटरनेट से कोई पिक्चर चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपको, जहां पिक्चर है वहां पे जाइए और जस्ट यहां से इसको कॉपी कर लेना, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज आपने कर लिया, फिर उसको जहां आपको पेस्ट करना है वहां आए उस जगह पे और सिंपल पेस्ट कर। बट कभी कभी सिंपल पेस्ट नहीं होता है, आप पेस्ट करेंगे तो एक छोटा सा डॉट टाइप का आ जाएगा, लेकिन पेस्ट आपका नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप पेंट को ओपन कर लें और अपने पिक्चर को पहले पेंट पे पेस्ट करें, फिर पेंट से कॉपी करके फिर इस पे पेस्ट करें। ये शायद कभी रियल केसेस में होता है, जब पिक्चर पूरी तरह से लोड नहीं होता उस केस में होता। हम बात करते हैं पिक्चर की रिसाइज के बारे में, मुझे इस पिक्चर को रिसाइज करना है, छोटा करना है, तो आप कॉर्नर से पकड़ के छोटा करें, कभी भी छोटा करें कॉर्नर से। अगर आपने इस तरह से छोटा करने की कोशिश की तो पिक्चर का सही स्ट्रेस नहीं होगा, जब भी छोटा करें तो कॉर्नर से छोटा करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें चारों तरफ छोटा करना होता है, कंट्रोल प्रेस करके फिर अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए चारों तरफ से पिक्चर को छोटा होगा, एकदम परफेक्ट शेप में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट करना है तो यहाँ देखिए रोटेशन का ऑप्शन है, पिक्चर को अपने हिसाब से जिस एंगल पे चाहे उस एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पिक्चर फॉर्मेट आ जाता है। चलिए पिक्चर फॉर्मेट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि अगर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन मेरे कुछ फाइल से लेना है तो यहां इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे दिस डिवाइस, तो जी दिस डिवाइस, और एक आता है स्टॉक इमेज और एक आपका आता है ऑनलाइन पिक्चर। स्टॉक इमेज मतलब कि ये मेरे ऑफिस 365 है, तो जो हमारा इसमें स्टॉक है उस लाइब्रेरी में वहां से लेना। ऑनलाइन मतलब जैसे आपने गूगल से सर्च किया हो, तो दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे तो कोई पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके आप ला सकते हैं इस तरह से। अगर आपने पर्टिकुलर फाइल नहीं करना है, आपको ऑनलाइन इमेज लानी है, तो यहाँ ऑनलाइन इमेज पे आइए और जो टॉपिक सर्च करना है यहाँ पे उस टॉपिक को आप सर्च कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल wing.com से, यहाँ देखिए पावर बाई wing.com, wing.com से इंस्पायर है और उसी को आपको यहाँ शो कर रहा है, इसको यूज कर सकते हैं आप। हम बात करते हैं पिक्चर की फॉर्मेट की, किसी पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं ऊपर आपका पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, जी हाँ ऊपर आपका पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आता है रिमूव बैकग्राउंड, मुझे मान लीजिए इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्लिक कीजिएगा, ये अंडरस्टैंड करेगा और बता देगा कि कौन सा है यहाँ पे, क्या रिमूव होगा, तो जो ये हाईलाइट नहीं है वो रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि
अच्छा इमेज कैसे डाउन होगा? तो एक काम करता हूँ, मैं किसी मैं अपना ही नाम सर्च करता हूँ, तो मैं एक काम, बहुत सारे सब्जी तो आ गए, मैं सोचा मैं ही दुनिया में अकेला हूँ। मैं कोई फोटो लेता हूँ जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन होगा। किसी को लेता हूँ, चलो कोई है पता नहीं, कॉपी इमेज और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां पिक्चर फॉर्मेट में रिमूव बैकग्राउंड, आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसका चेहरा बच रहा है, बाकी सारा रिमूव हो रहा है। मैं स्केप प्रेस कर दूं तो सिर्फ इसका चेहरा दिखेगा, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे कि नहीं, मैं अपने हिसाब से रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव बैकग्राउंड में आप आइए, यहाँ पे मार्क एरिया आपको दिखेगा, यहाँ से मार्क एरिया, और आप जहां से जिस एरिया से आप करना चाहते हैं उस पे आप, एक मिनट, यहां से आप ड्रैग करना शुरू कर दीजिए। ये थोड़ा सा रहती है मतलब कि इरिटेटेड है, लेकिन कभी कभी वो जरूरत पड़ जाती है, जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं या एनालिसिस वगैरह करते हैं तो उनमें कुछ इमेज वगैरह कुछ रिसर्च वगैरह होते हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसको कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिया तो ओके, तो इस तरह से देखिए उतना फोटो स्टॉक वाली चीज नहीं होती, लेकिन होता है क्या है कि ऑफिस वगैरह में हमारे पास फोटो स्टेट वगैरह सॉरी फोटोशॉप वगैरह होता नहीं है ना, और दूसरा अगर है भी तो हमें उनकी नॉलेज नहीं है, तो जो टूल्स हमारे पास है हम उसी टूल से काम चला लेंगे ना सर, बोलना है। मैंने जहां पे पेस्ट कर दिया, तो इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने के भी ऑप्शंस पिक्चर फॉर्मेट में है। उसके बाद इसकी करेक्शंस, मतलब इसकी कलर की करेक्शंस करनी है, तो आप किस तरह के करेक्शंस चाहते हो वो आप देख लीजिए, और जो चाहिए जैसे 20% ब्राइटनेस, आप उस पर कर्सर रखेंगे तो थोड़ा दिन में आपका इफेक्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको, फर्क पता चल रहा है, ऐसे आप इस पे क्लिक कीजिए तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह कर सकते हैं। कलर इसको जैसे कि एक इस कलर में चाहिए आपको, बैकग्राउंड में करना चाहते हो या कुछ और कलर में करना चाहते हो, या टू कलर में, थ्री कलर में, या इस तरह की चीजें करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आर्टिस्ट आर्टिस्ट की भी जो होते हैं कभी कभी जो स्केचिंग वगैरह टाइप का होता है उसमें आपको करना है तो इसका यूज आप कर सकते हो। हालांकि इसका यूज कभी कभी पड़ता है, खान कभी कभी क्या होता है ना कि हमें इसको बैकग्राउंड में डालना होता है, तो ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है, इसका भी यूज कर सकते हैं क्या सर? उसके बाद अगर इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, कि मैं और पेस्ट करता हूँ इसमें, राहुल जी गुड मॉर्निंग, बड़ी लेट हो गया आप आज। उसके बाद अगर हम पिक्चर्स की फॉर्मेट में यहाँ पे आए तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि पीछे का कितना परसेंट दिखेगा। जैसे मान लीजिए पीछे आपने कोई कलर वगैरह कर रखा है या कोई डेटा दे रखा है, तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पे ग्रीन कलर दे देता हूँ, तो पीछे का कलर कितना परसेंट दिखना चाहिए या पीछे का जो वैल्यू है यहाँ से परसेंटेज का ऑप्शन होता है अपना
अपना भेज सकते हैं, कितना परसेंट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, कभी कभी क्या होता है कि पिक्चर्स जब हम डालते हैं तो फाइल मेरा हैवी हो जाता है, फाइल हमारा हैवी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कंप्रेस पिक्चर कर देते हैं, ताकि जो इसकी अनवांटेड पिक्सल्स है उसको रिमूव करके इसका साइज कम कर दे और मेरे फाइल का भी साइज कम हो जाए। चेंज पिक्चर मतलब कि आपने जो सेटिंग वेटिंग की है उसमें सिर्फ पिक्चर चेंज हो जाए, बाकी सेम है, तो चेंज पिक्चर। रीसेट पिक्चर, इसकी पहले जैसा पिक्चर आया था सेम उस तरह से करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, मुझे वापस सही चाहिए, तो रीसेट पिक्चर कर दीजिए, आपको वापस सही हो जाएगा जैसा था। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर की स्टाइल आती है कि आप इसके बैकग्राउंड में क्या दे सकते हैं, आप यहां से इसकी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। ठीक है, कि इसका जो स्टाइल है किस तरह का फ्रेम में डले ये डिसाइड कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर कैसा हो, बॉर्डर की थिकनेस कैसी हो ये ले सकते हैं, पिक्चर पे इफेक्ट किस तरह का हो ये ले सकते हैं, इसी तरह आप खुद भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। पिक्चर का लेआउट कैसा होना चाहिए, इस लेआउट में तो नहीं चाहिए आपको, तो इसका यूज कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है तो ऑल टेक्स्ट पे दीजिए और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कोई भी इसको देख सकता है पिक्चर में ऑल टेक्स्ट करके। अब बात आती है सिलेक्शन की, मतलब कि मुझे इस पिक्चर को डिलीट नहीं करना है लेकिन कुछ समय के लिए शो भी नहीं करना है, समझे, मुझे इस पिक्चर को डिलीट नहीं करना है बट कुछ समय के लिए मुझे इसको शो नहीं करना है, कुछ समय के लिए शो ना हो से ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यहाँ सिलेक्शन पेन आपको दिख रहा है, सिलेक्शन पेन पे ये जो आई का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिए, आपका पिक्चर हाइड होगा। अब अपने हिसाब से जो काम करना है कीजिए, आपका पिक्चर हाइड हो गया। वापस मैं क्लिक करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा, और इस पर क्लिक किया तो हाइड, और इस पर किया तो अनहाइड। तो इसका यूज हम लोग करते थे, जैसे कि हम लोगों का क्या होता कि एक लेटर निकलता था, एक एनेक्शन निकलता जो बैंक को जाता, तो उसमें क्या होता था कि उसको हम दो चीजों पे, एक लेटर हैंड पे निकालते थे और इसकी एक फोटोकॉपी होती थी। तो अब होता क्या कि लेटर हैंड पे जो हम लोग उसकी फोटोकॉपी बाहर नहीं कराने जाते थे, तो लेटर हैंड पे जो निकालते थे तो जो लेटर हैंड की जो ऊपर की हेडिंग होती है उसको हमें इमेज करके स्कैन करके काट कर रखा हुआ था, तो जो लेटर हैंड पे निकालना होता था लेटर हैंड की हेडिंग को हम यहाँ से अनहाइड कर देते थे और मैटर को लेटर हैंड पे प्रिंट कर लेते थे, और उसकी फोटो कॉपी चाहिए होती थी रिसीविंग के लिए, तो हम क्या करते थे कि अपने हेडिंग को हाइड कर लेते थे ताकि वो उसकी लेटर हेड की जैसी प्रिंटिंग हो, मतलब कि लेटर हेड फोटो स्टेट नहीं होता है ऊपर सब कुछ लिखा रहता है कंपनी का नाम लोगो जो हो वो सारा प्रिंट हो, तो उसका यूज कर देते हैं हम लोग, ताकि हमें बाहर फोटो स्टेट करवाने की जरूरत ना पड़े। ओके सर, और उसके बाद हम बात इसमें पिक्चर्स में, अब जैसे पिक्चर्स में हम बात करते हैं कि पिक्चर्स को कॉपी करना है, मतलब कि मुझे एक पिक्चर को कई ये बनाने हैं, इसको कई कॉपी करके कई कोड बनाना है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आप कर ही सकते हैं, पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी के अलावा आप इसको कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस किया और जहां मर्जी वहां क्लिक कीजिए, इस तरह से आपका कॉपी हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको यहां पर रख दिया तो ये ऊपर में, मुझे तो इसके पीछे चला जाए, मतलब कि मुझे एडवांस एक्सेल दो बार लिखा हुआ चाहिए, तो मैंने यहां पे पिक्चर में गया और इसको सेंड टू बैकवर्ड या विंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, विंग फॉरवर्ड, आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन आता है। अब पिक्चर को देखिए, मैंने अलग तरीके से कर रखा है, मैंने तीनों पिक्चर को कंट्रोल से सिलेक्ट किया और यहाँ अलाइन में हमने यहाँ पे अलाइन टॉप कर दिया, तो एक सीन में ऊपर आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे देखिए होता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली है तो इसको हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करेंगे तो दोनों तीनों पिक्चर के बीच में सेम डिस्टेंस होगा,
इसको ग्रुप कर दीजिए ताकि ये एक ग्रुप बन जाए, अपने हिसाब से कहीं ला सकते हो ले जा सकते हो। फिर इसको रोटेट करना है मान लीजिए, तो रोटेशन के लिए ऑप्शन है कि अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, हालांकि मैं ऊपर पकड़ के रोटेट किया जा सकता है। हम बात करते हैं कॉर्प की। जब मैं कोई पिक्चर लिया, इसी पिक्चर को लिया, मुझे कॉर्प करना है, तो यहाँ कॉर्प पे क्लिक कीजिए, तो आप अपने हिसाब से पिक्चर जो जो एरिया आपको चाहिए उस एरिया को आप कॉर्प कर लीजिए। सिर्फ वही एरिया आपको दिखेगा, बाकी एरिया नहीं दिखेगा, कॉर्प हो गया। पिक्चर की हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये पिक्चर के ऊपर थी कि किसी पिक्चर को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। पिक्चर के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शेप्स। शेप भी सेम है कि आप किसी भी शेप्स को ड्रैग कर लीजिए, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अगर बटन वगैरह और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं कि जो मेरा लोगो है मैंने एक्सेल पे ही बनाया, और पूरा डेस्कटॉप जो है मैंने एक्सेल पे बनाया। पेन ड्राइव आपको दिख रहा होगा, पेन ड्राइव के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको भी हमने एक्सेल के थ्रू ही लिखा है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब के जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी हमने एक्सेल पे ही बनाया है। एक्सेल पे इस तरह की आर्टिस्ट होती है, हम कर सकते हैं। तो यहां से आप शेप्स को लेते हैं। शेप्स को लेने के बाद यहाँ पे आपका दो चीजें है, एक तो शेप्स की स्टाइल है कि कैसा शेप्स आपका होना चाहिए, दूसरा शेप की कलर, शेप की बॉर्डर एंड शेप की इफेक्ट। शेप्स के ऊपर अगर कुछ टाइप किया हमने, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एडवांस, मान लीजिए कि मुझे इसका इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो होम पे जाके आप मिडल कर दीजिए, अलाइनमेंट आ जाएगा, ये मिडल कर दीजिए बीच में आ जाएगा। बड़ा करना है तो यहां से टेक्स्ट की साइज को आप बढ़ा सकते हैं, जी हाँ यहां से बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे शेफ फॉर्मेट में अगर आप आते हैं तो यहाँ भी एक स्टाइल है कि आपका जो टेक्स्ट है किस तरह से मतलब किस वर्ड आर्ट में आपका दिखेगा, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। हमने ये ले लिया, फिर उसकी टेक्स्ट की कलर क्या होना चाहिए, मतलब बिल्कुल रेड होना चाहिए, उसका आउटलाइन क्या होना चाहिए, तो हमने बोला आउटलाइन भी हमारा रेड होना चाहिए। टेक्स्ट का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, शैडो ग्लो ये चीज या फिर कोई इस तरह के चाहिए, इस तरह से लिखा हो। ये चीजें भी आप कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट लाइन जो है पिक्चर पे किया था वो सेम है, लेकिन इसमें एक चीज है एडिट सेप्स, मतलब कि आपने सेप्स में एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा मुझे इसको बाहर निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे बाहर, मुझे इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालना है, इसको भी थोड़ा सा बाहर, इसको भी बाहर निकालना है और इसको भी बाहर निकालना है। इस तरह से सेप्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट कीजिए एडिट सेप्स और अपने सेप्स को थोड़ा सा अपने चेंजिंग में थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हैं। ये सब सेट पे लागू होता है। सेट के बाद आता है यहाँ पे आइकन। अगर मान लीजिए कोई आइकन चाहिए आपको तो यहां से आप आइकन को डाउनलोड कर, लेकिन आइकन आपका ऑनलाइन है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपका ये सही से आपको आइकन दिखेगा। जो आइकन चाहिए आपको यहाँ पे अलग अलग आइकन है, आइकन को सर्च भी कर सकते हो। उसे मैंने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया तो ये आपका आइकन आ जाए। अब इसको अपने हिसाब से जो सेप्स की फॉर्मेटिंग होती है वो सारी फॉर्मेटिंग करके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। कन्वर्ट सेप, कन्वर्ट टू सेप, टू सेप में क्लिक कीजिए, यस कीजिए, ये नॉर्मल सेप हो गया, डिजाइन हो गया सर, जो पिक्चर नहीं रहा सर, आइकन नहीं रहा। जैसे इसमें एक एक चीज और मजेदार चीज है इंसर्ट में, जो 2000 अगर 19 या फिर ये है आपके पास 365 है तो आप 3D मॉडल्स को भी ला सकते हैं। जी हाँ 3D मॉडल डाउनलोड भी हो सकता है यहाँ से, देखिए ये आपका 3D मॉडल्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ,
लेता हूँ ट्रेवल, ट्रेवल में मैंने एरोप्लेन ले लिया। छोटा दिखा, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, एकदम प्लेन की तरह दिख रहा है ना सर। आप इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कीजिए, दिख रहा है सर। समझ आया सर, है मिजार जी सर। 3D मॉडल, बट 3D मॉडल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके भी 3D मॉडल पे जाते हैं तो यहाँ भी इसके भी जो है सेप्स हैं कि किस तरह से चाहिए आपको, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। आपका आप इस हिसाब से भी ड्रैग कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। 3D मॉडल में यहाँ पे और चाहिए या फिर रिसेट करना है आपको, रिसेट कीजिए, या फिर पैन एंड जूम करना है तो यहाँ से देखिए जूम का ऑप्शन है। ये आपका जूम हो जाएगा, बाकी हाइट भी आप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। 3D मॉडल होते हैं, इसको आप डाउनलोड कर दे सकते हैं और अपने इम्पोर्ट में थोड़ा सा लुक दे सकते हैं। ये कहा था आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब कि जो स्लैब्स वगैरह होती है या स्टेप्स वगैरह होती है वो एंट्री करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर लिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट है। तो जैसे कि हमने बोला कि पहले आप पहले आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे, उसके बाद आप MIS पे जाएंगे, उसके बाद एनालिसिस पे जाएंगे। इस तरह की चीजें करने के लिए इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, इस तरह से जो बनाना है बना सकते हैं। ये भी हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, इसकी भी अपनी एक फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए सारे फॉर्मेट है, जैसा चाहिए वैसा इसको यूज कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे डिजाइन है, इसके कलर्स हैं, तो इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका आर्टिस्ट हो जाता है, आपका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मान लीजिए कि आपके आपके मान लीजिए कहीं पे दिक्कत हो रही है, आपने मेरी वेबसाइट को ही लिया और आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसे टॉपिक ले लीजिए जहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको कि आपको इसका इसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, तो बहुत लोग क्या करते हैं प्रिंट स्क्रीन के प्रिंट स्क्रीन वाले बटन पे कॉपी करते फिर भेज देते। प्रिंट स्क्रीन पे क्या होता है, पूरा का पूरा डेस्कटॉप का आता है, तो मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट का चाहिए, तो हमें कट वट करना पड़ता है, मतलब कट करने की जरूरत ना पड़े। स्क्रीनशॉट कीजिए, ध्यान रखिए स्क्रीनशॉट होते ही जो आपकी एक्टिव फाइल है वो मिनिमाइज हो जाएगी आपकी। स्क्रीनशॉट कैप्चर स्क्रीन भी क्लिक कीजिए तो मिनिमाइज हो गया, और इससे पहले वाले जो सॉफ्टवेयर था वो आपका मैक्सिमाइज हो गया। अब जितना एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो एरिया यहाँ पर ये आपका शॉट में स्क्रीनशॉट था। अब हम बात करते हैं एडिंग की। अब जैसे मोबाइल फोन आपके पास है तो मोबाइल फोन में क्या है, मोबाइल फोन में आपके पास कोई ऐसे ऐप की जरूरत पड़ती है तो वो आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। कोई भी ऐप की जरूरत पड़ती है तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिस्टम में भी है यहाँ पे गेट एडिंग्स, जो कि आप अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि कुछ अलग चीज जो एक्सेल से एक्सेल में नहीं है वो चीजें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे सेंड टू पावर बीआई मिनी कैलेंडर पिकर, इस पर क्लिक कीजिए, आपका कंटिन्यू कर दीजिए तो आपका कैलेंडर पिकर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं सेलेक्ट सपोर्ट डिलीट रिकॉर्ड रीलोड सेव इमेज सिक्योरिटी इन्फो सब दिख रहा है। सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए तो जहां आपका A1 में दिख रहा है आपको यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे जहां पे कर्सर होगा वहां पे डेटा आ जाएगा। इस तरह की कैलेंडर का यूज आप कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह की कैलेंडर का यूज आप कर सकते हैं। तो ये चीजें एक्सेल में नहीं थी, हमने डाउनलोड कर ली है। तो जैसे आपका प्ले स्टोर होता है, जहां से आपने जून को डाउनलोड किया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन डाउनलोड करते हैं, उसी तरह का सिस्टम होता है। कुछ पेबल होते हैं एंड कुछ फ्री होते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके अपने ऑफिस में अपनी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। कोई डाउट सर इसमें? विक्की जी, राकेश जी, संतोष जी, जय कुमार जी, कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस धन्यवाद। की आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोग मुझे कोई एक कंपनी का लोगो बना के बताइए सर। जैसे मेरी कंपनी, मेरे ही देखिए लोगो है ना, इस तरह लोगो मैंने बनाया हुआ है। तो आप क्या करें, यहाँ गूगल पे जाएं और आप यहाँ लोगो को सर्च करें और इमेज पे क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के लोगो हैं, मुझे इसमें से किसी भी एक कंपनी का लोगो जो आप बना सके बना के भेजिए। आप सभी लोग एक एक कंपनी का लोगो बना के भेजिए। ओके, ठीक है सर, तो आज की टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं कल इससे आगे की चीजों को पढ़ने के लिए। ओके, बाय।